back for it. I made the model of laser buzzer. First of all, I want to tell you about the parts of this model. First pass, the part is transistor. First part is the transistor, and the main part is buzzer, light ray, which is by a laser light. And I use the transistor of BC547, the resistor of 22K, and I use LED and the simple connections of cell. First of all, the light ray, the laser light, is attached to the idea. First of all, when the light ray is strike to LDR, buzzer cannot beeping when we block the path of light ray. Buzzer started beeping. Okay. It is the border protection symbol. The main problem is when we use the clamping for time and the border protection is a problem. When enemy or anything enter in the our border, the laser buzzer can easily detect the entry of any unwanted person. Entry of unwanted person, and this problem can be solved. And what is the type? Laser buzzer. लेजर बजर बाय यशराज पांडे ऑफ क्लास 10C। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया, कैसे सोचा? सर, ये आइडिया मेरे को जब मैं स्टोरीज पढ़ता था, जैसे कि और बाकी कैंपिंग स्टोरीज, तो मैंने देखा था कि कई 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 बार जो जानवर होते हैं वो टेंट में घुस जाते हैं। इसके अगर लेजर बजर हमारे पास रहेगा तो हमें पहले पता चलता है कि जानवर कुछ लेजर रहेगा या कुछ और लेजर लेजर रहेगा तभी आइडिया डिटेक्ट करके बता रहा था। तो दिस मीन्स दैट इट इज अ काइंड ऑफ सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एंट्री इन द बॉर्डर एरिया। इसका और क्या एप्लीकेशन है? ओके ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। क्लास 8C फ्रॉम KV39 GTC वाराणसी कैंट। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू माय प्रोजेक्ट नेम पावर गन। क्या चीज? SPAO, उसका फुल फॉर्म मतलब फुल फॉर्म ऑफ दिस इज शूटिंग प्रोटेक्शन एट वर्क। इन दिस as you can see here, it is a gun which has an umbrella structure at its nozzle point near its shooting fire point. It is made from alloy named aluminium oxynitride. It is made from oxygen, nitrogen and aluminium. It is strong enough to withstand up to 50 caliber and it is light in weight. ओके ओके ओके, प्लीज देखिए, आपको ये आइडिया कहाँ से आया वो समझाइए। क्या प्रॉब्लम सोचा आपने, क्या देखा? सर, मैंने ऐसा सोचा था कि सर, जो हम हमारे जवान जो जाते हैं फौज में लड़ते हैं, सर उनको उनकी डेथ होने लगती है, डेथ होती है गोली लगने से। सर, उनकी प्रॉब्लम यही है कि वो मारते भी हैं लेकिन गोलियाँ उनको लगती है। तो ऐसा क्या
क्या किया जाए कि वो शूट भी कर सके और बचे भी। सर इसलिए एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर का मुझे याद आया जिससे वो उसके बॉडी को कवर भी कर सकते हैं और नोजर आगे होने से वो शूट भी कर सकते हैं। Okay. तो इससे अगर सामने वाला अटैक करेगा तो वो अम्ब्रेला तो वो स्ट्रक्चर पे जाके लगकर गोलियां हमें नहीं लगेगी। देखिए हम उसको मार सकते हैं एज बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंट, हम उसको देख के एम करके मार सकते हैं। ये एक स्पेशल सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम ऑक्सीनाइट्राइड से बना हुआ है जिसे एलॉन कहा जाता है। ये 50 कैलिबर की बुलेट सबको झेल सकता है 50 कैलिबर, और ये वेट में लाइट होता है इसलिए इसको कैरी करना आसान होता है। ठीक, ओके, वेरी गुड, कीप इट अप। क्या नाम है आपका? नाम क्या? आदित्य कुमार चौहान। थर्ड सीन है Okay, what is the title of your project? Smart Bin. Okay, Smart Dustbin. Smart Dustbin. ये बताइए एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे हो गया ये? एनवायरनमेंट बचाने के लिए हम लोग प्लास्टिक को ऐसे डालें जहाँ पर वो वेस्ट ना हो, मतलब वो एज नॉर्मली ऐसा से इधर उधर फैली रहती है ना। नहीं आप उसको मेटल और नॉन मेटल को अलग करेगा ना, मतलब आपका बोलने का सेंस है कि मेटल और प्लास्टिक को अलग क्वेश्चन है कि आपने डस्टबिन बना दिया कि डस्टबिन तो हर जगह रहता है, ये खुद से करेंगे ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, लेकिन उसको डंप कहाँ करेंगे उसमें का वेस्ट? सर तो ये रिमूवेबल मटेरियल है, वो ग्राउंड में रिलीज हो जाए ताकि जो डिग्रेडेबल वो डिग्रेड हो जाए, हाँ जो नॉन डिग्रेडेबल है वो रिसाइक्लिंग फैक्ट्री में चला जाएगा अपने से। नो सर, वो मतलब अगर डस्टबिन जो फुल हो जाएगा, मतलब एम्प्टी था पहले फुल हो गया, तो एक अलार्म भेजेगा नगर निगम के मेंबर्स को ताकि वो अलार्म हो और वो आके देखें। नगर निगम के मेंबर को अलार्म कैसे जाएगा? सर उसमें हम AI फीचर डालेंगे। और कौन सा फीचर, नाम बताइए सर? जैसे कि उनसे कांटेक्ट करने के लिए AI मतलब कंप्यूटर पे हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम पे टाइप करेंगे और उसे उस AI के अंदर फिट करेंगे, और वही जैसे कि हम उनका नंबर ले सकते हैं, नंबर से हम वाया उनकी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर वही काम AI करेगा, जब डस्टबिन फुल हो जाएगा तो नंबर से कॉन्टैक्ट करेगा जिससे
स्लिप हो जाएगा वो लोग अलार्म बन सकता है। ठीक जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट, तो इसके लिए क्या आपने पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया है, क्या सोचा, क्या कैसे बनेगा? हम लोग फैसला है कि अगर पर्टिकुलर टाइम तक वो गाड़ी अगर कहीं जगह पर खड़ी रहती है तो वो अपने आप
गाड़ी खराब हो गई तो My name is Ayan Patel of class 10th standing here to tell us about my project. First of all, my project is based on generation of electricity based on using waste material. The purpose of making this project is to generate electricity using a waste material. As you know that India faces a lot of problem due to shortage of electricity. As the demand of electricity is demand of electricity grows very very fast, but the production of electricity is class 9 and today my topic is LPG gas leakage detector and problem is that today any gas can be used to LPG gas or sometimes it can leak from it so man it can blast from it and to save it man my device is उसे अगर यूज करेंगे तो वे जब गैस लीक हुए या कूलर छोड़ा जाएगा तो वे उसे डिटेक्ट करके अलार्म की तरह उसमें से ही पता चल जाता है कभी कभी पता चलता नहीं एलपीजी की तो स्मेल ही उसमें डाला ही है जिससे कि स्मेल आ जाए डाल रहे हैं ना इसके स्मेल के लिए वो मार्केट पेन वो तो ऐसे ही स्मेल देता है ना मेरा जो पेपर प्रोजेक्ट है वो है 52 के ऊपर मैंने 2 ऐसा डिजाइन किया है जो हमारे औरत आदमी है औरत का दोनों के 50 के लिए अभी फिलहाल में ये प्रॉब्लम चलेगी लोग अकेले रास्ता नहीं जाते हुए किन्या को जाते हैं बहुत बार अनेक केसेस भी आते हैं तो उस चीज़ में अगर कोई मैंने ये फूल डिजाइन किया अगर ये कोई पहन के जाता है और उस पर अगर डाउट हो रहा है कि नहीं ये गले ऐसे कुछ नुकसान अकेले आपको शो कर अगर उसको एक बार स्विच करके बटन ऑन कर देता है तो इसका जो सर्किट है वो ऑन हो जाता है जैसे कि ये हमारा सर्किट ऑफ को ये काम इस सर्किट से करेगा अगर कोई स्ट्रेंजर आ जैसे हाँ गुजरना चाह रहा करना चाह रहा है वो जैसे ही इसे हमें छुए डिवाइस होल्डर को अराउंड 400 किलोवाट का अच्छा खासा वोल्ट लगेगा जिससे वो दो घड़ी जाएगा 400 किलोवाट का क्या होगा उसका मैम पर इसमें एम्पियर कम है इसलिए वो स्ट्रेंजर मरेगा नहीं बको जितना लगे वो डर एक में बढ़ जाएगी इसमें एक ऐसी चीज है जो कि हमारे सॉइल को खराब करती है हमारे सॉइल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और ट्रीज को भी खराब करती है मतलब ट्रीज जो हरे भरे पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां झड़ने लगती हैं जिससे कि हमें ऑक्सीजन की भी बहुत कई बार माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें हमारे फार्मर्स को है हमारे फॉरेस्ट को इसमें प्रॉब्लम है कि अगर एसिड रेन होता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो एसिड रेन इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू फॉरेस्ट ये हमें हमारे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा हार्म करती है और इसके कुछ सॉल्यूशन जो मैंने ढूंढे जो मुझे लगा है कि ये कुछ हेल्प कर सकती है तो वे टू रिड्यूस एसिड रेन इज टू प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स हम लोगों को फॉसिल फ्यूल्स को यूज करना My topic is free and wireless energy problem. Nowadays there is a lot of pollution due to fossil fuels combustion or population growth. As we know when we burn fossil fuels, it produces harmful gases like carbon dioxide or methane gas. These gases are harmful for us, but we can reduce this. But we can reduce these gases for the following ways. I make free energy like solar panel. ये transport करेगा बिजली को लेकिन इसमें एक फिर question आता है कि जब वो transport करेगा तो ज़्यादा consume करेगा वायर को एक घर तक जाने के लिए तो एक survey के मुताबिक 19,700 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट किया जाता है बिजली को ट्रांसपोर्ट किया जाता है
उसके लिए हम वायरलेस एनर्जी बना सकते हैं, जैसे कि टेस्ला कॉइल बना। लास्ट नाइट भी एंड माय प्रोजेक्ट में ड्राइविंग सेफ्टी डिवाइस हाँ हाँ हिंदी यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ईयर 2021 में 30,20,000 जो पीपल से उनकी डेथ हुई थी, जिनका मतलब मेन जो वो था, मेन जो कॉजेस था वो था ह्यूमन एरर, जो कि था डिस्ट्रैक्शन, ड्रिंक एंड ड्राइव एंड स्लीपिंग। तो मैं मेरा माय प्रोजेक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन इट। सब आइडिया खत्म हो जाएगा हम खेलने के बाद। पुट आई मतलब मैं आई ब्लिंक सेंसर पुट किया, जो कि ब्लिंकिंग को मेरे डिटेक्ट करता है, जो कि मतलब ब्लिंकिंग को तो डिटेक्ट करेगा, ऊपर से ये और डिटेक्ट करेगा कि अगर कोई स्पेक्टिकल्स उतारता है और अगर वो जो मतलब जो भी व्हीकल है, मोटर व्हीकल अगर वो ऑन है, तो फिर वो एक सर्वो मोटर लगा जो कि उसके ऑन ऑफ स्विच को मतलब ऑन और ऑफ करेगा सर्वो मोटर, जो कि मतलब डिग्रीज में मूव करता है। उससे क्या होगा, अगर वो स्पेक्टिकल उतारेगा तो आई को नहीं सेंस कर पाएगा, तो जिससे क्या होगा कि वो मतलब जो व्हीकल है वो ऑफ हो जाएगा। और मतलब एक और वी कैन टेक एनर्जी फ्रॉम वेस्ट गैसेस, सो वी हैव सीन दैट बैटरीज एंड एनर्जी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड रियली टू दैट नीड्स स्ट्रक्चर बना के फिर इलेक्ट्रॉड्स लगा के एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी।
और फिर उसके बैटरीज लगा के कैसे पता चलेगा ड्राइवर से कम है मोबाइल देख भी कैसे पता चल जाएगा ड्राइवर से कम है वैसा AI सिस्टम कैसा होगा हमको पता है।